मध्याह्न भोजन योजना के लिए जिला टास्क फोर्स की बैठक जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जाने वाली वृहद योजनाओं में से एक है। इसके प्रति किसी भी स्तर पर यदि लापरवाही पाई गई तो प्रधानाचार्य और प्रधान के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य नामांकन में वृद्धि करना, छात्रों को पौष्टिक आहार प्रदान करना जिससे कुपोषण को दूर किया जा सके, निर्बल आय वर्ग के बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना तथा विद्यालयों में सभी जाति एवं धर्म के छात्र छात्राओं को एक स्थान पर भोजन उपलब्ध कराकर उनके बीच सामाजिक समरसता जागृत करना है। इस अवसर पर उनके संज्ञान में जब यह तथ्य सामने आया कि जांच के दौरान 248 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन नहीं बन रहा है, इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित एबीएसए को फटकार लगाते हुए कहा कि इसके प्रति लापरवाही अक्षम्य है और यदि इसमें सुधार नहीं हुआ तो संबंधित एबीएसए के निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बगैर सूचना दिए गायब रहने वाले प्रधानाध्यापक का वेतन रोका जाएगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि किताब एवं बैग का वितरण 5 जुलाई तथा 15 जुलाई तक स्कूली ड्रेस वितरण हो जाने चाहिए। एबीएसए इसकी रिपोर्ट प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराएंगे। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया है कि कोई भी विद्यालय जर्जर भवन में नहीं चलने चाहिए क्योंकि जर्जर भवन में दुर्घटना की आशंका प्रबल होती है। उन्होंने कहा कि यदि कहीं इस तरह के भवन में विद्यालय चल रहा हो तो उसकी सूची उपलब्ध कराई जाए ताकि उसे किसी भी सरकारी भवन में शिफ्ट किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी विद्यालय में जल जमाव की स्थिति हो तो वहाँ प्राथमिकता के आधार पर मिट्टी भरवाई जाए। बैठक के मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह, बीएसए बीएन सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आप अगर सडन इंस्पेक्शन में आप पास हो तो बड़ा अच्छा लगता है, देखिए कि भैया हमारा सिस्टम इतना अच्छा काम कर रहा है। पहले सभी जो आपके डीआरसी हैं वहां पे पहुंच गए थे किताबें, अब आपको डीआरसी से बस स्कूलों में पहुंचाना था, जैसे से आ रहे हैं हम दे रहे हैं, वो भी स्थिति नहीं थी। वो तो बिल्कुल ये कह रही थी कि सर अभी जो पुरानी किताबें हम लोग उसी से काम चला रहा था। पांचवी का जो बच्चा था वो पांचवी का पहाड़ा नहीं बता पा रहा था, ये सिर्फ थी वहाँ से उसको आपके पास थोड़ा बार थी। ऐसे मतलब ये पहली बार मैं थोड़ा बार नहीं गई, दूसरी तीसरी बार मैं स्कूल में गया, हमेशा स्थिति खराब नहीं थी। जबकि सबसे सामने का अगर आप शहर में भी रहते हैं तो थोड़ा बार में आप एक दिन में आपके मुश्किल से 60-70 स्कूल होंगे, 105 स्कूल हैं एक दिन में। अगर आप सुबह 7 बजे से या 7:45 बजे से आप उन्हें स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आप 11-12 बजे तक आप फील्ड में ही अगर आप घूमते रहे देखते रहे तो कितने सारे स्कूल आप एक दिन में देखेंगे, 10-15 बीस। एक बार एबीएससी फील्ड में निकल गए, बीएससी फील्ड में निकल गए, सबको पता चल जाता है, सब चीज़ दुरुस्त हो जाती है। जिला स्तर से, ब्लॉक स्तर से, सर के माध्यम से हम लोग उसको दूर करेंगे। आज जो मुख्य रूप से हम लोग और दूसरा सर्व शिक्षा अभियान है और दोनों योजनाओं का क्रियान्वयन पूर्ण रूप से अपने विद्यालयों में कराना है। सर यहाँ पे अवगत कराना चाहता हूँ कि टोटल जनपद में कुल परिषदी जो विद्यालयों की संख्या है वो 2151 है, उच्च प्राथमिक विद्यालय की संख्या 836 है, जूनियर विद्यालयों की संख्या 85 है, 4 राजकीय विद्यालय हैं जो बेसिक से आच्छादित हैं, 14 समाज कल्याण के विद्यालय सर हैं, 10 अल्पसंख्यकरण के विद्यालय सर हैं यहाँ पर, और माध्यमिक से हमारे 22 1-5 के विद्यालय संचालित हैं सर, 95 ऐसे हमारे वो विद्यालय हैं जो 6-8 संचालित हैं और 5 हमारे राजकीय हैं। इस प्रकार हमारे यहाँ टोटल 3221 स्कूलों में योजनाओं का आच्छादन है सर। सापेक्ष में अवेलिंग होती है, नंबर ऑफ अवेलिंग जिसे मील्स बोला जाता है सर, उसके सापेक्ष हमारे यहाँ सर 217,000 की अवेलिंग, ये सर मार्च की फिगर है, अप्रैल की फिगर सॉरी, 217,582 अवेल की थी पूरी की मिड डे मील की अवेलिंग सर, जिसमें प्राइमरी में सर था 1,00,000। योजना का सर प्रमुख हम संचालन तभी कर सकते हैं जब उसका प्रॉपर वे में हम उसका अनुसरण कर सकें। हर बिंदु की हमको मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है जहाँ जहाँ पर योजनाओं में आने में दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। शासन द्वारा इसके लिए जनपद स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसमें डीएम सर हैं, सीडू सर हैं और जिला विद्यालय अधीक्षक सर हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी सर हैं, जिला अधिकारी सर हैं, मुख्य शिक्षा अधिकारी सर हैं, जिला विकास अधिकारी सर हैं, पी जी सर हैं, खाद्यान्न विभाग से डिप्टी आर एम ओ सर हैं, समाज कल्याण से सर जिला समाज कल्याण अधिकारी सर हैं,
इसके साथ साथ में सर एक चीज है जो जनपद में नहीं हो रही है, विगत मैंने भी प्रयास किया स्टार्टिंग से ही, वो ब्लॉक स्तर की हमारी टास्क फोर्स की बैठकें नहीं हो रही है सर। क्योंकि अगर ब्लॉक स्तर की टास्क फोर्स हम लोग आयोजन कर दें तो मैक्सिमम जो चीजें हमारी जनपद स्तर पे आती है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। कोई एक मंगलवार या बुधवार आप इसमें तय कर दीजिए और उस पर्टिकुलर दिन का एक आदेश आप डीएम साहब की तरफ से जारी करवा दीजिए, और हाँ बिल्कुल दूसरा मंगलवार करवा दीजिए, और दूसरे मंगलवार के अगले दिन ये सभी लोग अपने उसकी कार्पेट आपके ऑफिस में जमा कराएंगे। ठीक है सर, जगह आइडेंटिटी करा के भरवाना पड़ेगा, अगर तो आपका बर्बाद हो जाता है ना तो वो लोग तीन महीने पहले बंदी रहता है, आपके पास है सूची बाल में तिला करने कितने विद्यालय है पिछले बार जो जनपद की जो प्रदेश की नंबर ऑफ वर्किंग डेज थे सर 226 कार्य दिवस थे, जबकि जो अपने जिले की कार्य दिवस थे वो मात्र 209 कार्य दिवस थे। एक महीने हमारे जब विद्यालय अपडेट अगस्त महीने में इकट्ठा रहे सर। कौन सी विद्यालय पे है, सारे विद्यालय बंद है क्या? देखो सारे विद्यालय तो बंद करे बाढ़ सर। ये कौन है जाते विद्यालय बन गए तो छः महीने कुछ पलट कर देगा, कभी भी नहीं आया कहीं में, मतलब केवल सुन रहे हैं बोल भी नहीं गया, हमारे पास फुर्सत भी नहीं है चेकिंग, स्कूल जाके चेकिंग 3000 रुपये चेक करने के लिए हमारे पास साधन भी नहीं है, तुम्हारा यही काम है स्कूल चेक करना। ये डेटा के क्यों रहे वो जो उसका डेटा कहीं भी मेल नहीं कर रही है उसका जो डेटा वो जो तुम्हारा प्रिंसिपल साहब भेज रहे हैं वो यहाँ से ब्लॉक से मेल नहीं कर रहा, ब्लॉक वाले डेटा जिला पे मेल नहीं कर रहा, ये जो मिड डे मील महाराज आप क्यों नहीं करते भाई? तो समीर तुम कितने साल से हो यहाँ? सात साल से तो जंग भी हो तुम जंग लग गया मेरा से एक बार पूरा मुझे सचिव मोदी फाइनेंस में स्टार्टिंग में 11-12 थी मैंने दे दिया था सारे जी उठाए वाले अवेलेबिलिटी हो गई। चेक क्यों नहीं करते हो तुम? फील्ड में क्यों नहीं निकलते हो? सर यहाँ पे जो हमने पता कराया कि मैक्सिमम जगह सर जो है डिफरेंस बताओ, डिफरेंस हमारा जेडीए से है बटहट का हमारा जेडीए से बटहट वो भी नहीं है मीटिंग में नहीं आते क्या? क्या मैडम कितने जगह मीटिंग में नहीं होता आप बताओ जाइए आ गया है आपके पास जानता नहीं कुछ कितने विद्यालय आप बताओ बात कितने 120 विद्यालय चलिए कितने जगह मिड डे मील नहीं बन रहा था आपको पता है सर? ना सर इक्कीस जगह नहीं बन रहा है मेरा आइडिया साबरा के हिसाब से आपको रिपोर्ट जाना चाहिए था मुझे भी पता चाहिए जाके सारे केवल मिड डे मील नहीं आप नौकरी कर रहा है भाई आपको